हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 9th ऑफ अगस्त से लेके 15th ऑफ अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में इस वीक में। मैसेजेस फॉर टॉरस। Queen of Knives, Lord of Grails, Judgment, The Hermit, and Two of Skulls. Okay, so Judgment का कार्ड है। I think इस पॉइंट पे आप काफी जजमेंटल हो गए हैं और मैं देख सकती हूँ कि ऐसा क्यों है। ये पर्सन शायद आपके पेशेंस का टेस्ट कर चुका है पूरी तरीके से और अब आप इस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। अगर आप क्वीन ऑफ नाइफ्स का कार्ड देखें तो क्वीन ऑफ नाइफ्स अपने साथ ये नाइफ इसलिए लेके बैठी है ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके, ना कि इसलिए कि उसे किसी को हर्ट करना है या उसके कुछ और इंटेंशंस है। सो इस पॉइंट पे क्वीन ऑफ नाइफ्स काफ़ी ज़्यादा अपसेट नज़र आ रही है क्योंकि उसने अपना 100% एफर्ट करके देख लिया है। क्वीन ऑफ नाइफ्स को पता है कि उसके लिए ठीक क्या है और क्या नहीं एंड वो अब टायर्ड है। ऐसा लग रहा है टॉरस कि आपने इस पर्सन के लिए वो सब कुछ करके देख लिया जो आपके बस में था। ये रिलेशनशिप बचाने की आप बहुत कोशिशें कर चुके हैं एंड आप बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। ऑल्सो लॉर्ड ऑफ ग्रेल्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट पे चीज़ें बहुत डिफरेंट हो सकती है। आई मीन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बिल्कुल अलग। सो अगर आप ये सोच रहे थे कि ये पर्सन अब पास की स्टोरी हो गया है और आपके लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा तो आप सरप्राइज हो सकते हैं बिकॉज ये पर्सन फिर से एक बार आपको अप्रोच करना चाहेगा। ये पर्सन एक बार फिर से चाहेगा कि आप उन पे ट्रस्ट करें। सो जजमेंट का कार्ड यहाँ पे होना तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। जब आपको कोई ऑफर मिलेगा या आपके सामने कोई सिचुएशन होगी तो आप चाहे ना चाहे जजमेंट वहाँ पर ज़रूरी होगा और इस पॉइंट पे आपका जो भी स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। ये एक अच्छी बात है। सो जजमेंट आपसे ये कह रहा है कि डेफिनेटली जज कीजिए किसी भी सिचुएशन को क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम द हर्मिट फेज में जाने के बाद यानी अच्छे से सोचने समझने के बाद बिकॉज द हर्मिट आपसे कह रहा है कि इस वक्त बहुत ज़रूरी होगा अपने मन की आवाज़ को सुनना जो कि मुश्किल हो जाता है जब इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें आसपास हो रही हों। आप अपने स्पिरिट से कनेक्ट नहीं हो पाते और ये जो नेगेटिव और हैवी एनर्जीज है वो आपको लगातार पीछे की तरफ खींच रही है। आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं स्पिरिचुअल लेवल पे। टू ऑफ स्कल्स के साथ टॉरस। टैरो आपसे कह रहा है कि आपके लिए ये जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से चेंज हो गए हैं, इस रिलेशनशिप ने आप पे किस तरीके का असर डाला है और आपके लिए क्या बेहतर है बजाय किसी को अपना और टाइम देने के या किसी ऐसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करने के जिसके बारे में आप पहले भी कंप्लेंस कर चुके हैं और ये पर्सन कभी भी आपकी बातों को सीरियसली नहीं ले सका। उन्होंने हमेशा इग्नोर किया आपकी फीलिंग्स को, आपकी नीड्स को। सो टैरो आपसे कह रहा है कि पुरानी बातों को डिस्कस करके कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप को चूज कीजिए एंड अगर ये पर्सन आपके सामने दोबारा आता है क्योंकि लॉर्ड ऑफ ग्रेल्स के साथ हो सकता है कि आप दोबारा मिले या ये पर्सन किसी तरीके से आपको अप्रोच करने की कोशिश करें बिकॉज ये आपका अटेंशन पाना चाहेंगे और उस केस में आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, आपने इसके बारे में सोचा नहीं है तो भी टैरो आपसे यही कह रहा है कि अपना टाइम लीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपने आप को हील कीजिए,
आपको किसी भी चीज़ को एकदम से एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। जजमेंट का कार्ड आपसे कह रहा है कि फिलहाल आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको किसी तरीके का इंस्टेंट रिएक्शन करने पे मजबूर करे। फॉर एग्जांपल, आप इस पर्सन को इतना मिस कर रहे हैं तो कभी आपको लगेगा कि आपको यस कह देना चाहिए और इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो और आपको लगे कि आपको ज़रूरत ही नहीं है इनके इस अप्रूवल के बारे में सोचने की और आप इसे एकदम से ही रिजेक्ट कर दें। बट थॉट चाहे आपका जो भी हो, चारों आपसे कह रहा है कि कुछ वक्त रुकिए थोड़ा, बिकॉज इमीडिएटली कुछ फैसले लेकर हो सकता है आपको बाद में पछतावा हो, आपको लगे कि शायद आपको और वक्त लेना चाहिए था और चीज़ों को और क्लियरली और डीपली देखना चाहिए था इससे पहले कि आप फाइनली कोई स्टेप लें। जो समय आपको अभी मिला है वह इसलिए मिला है कि आप अपने मन की आवाज़ को सुन सकें, क्योंकि कभी कभी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो सकती है और इसकी वजह से हम अपने ट्रू इमोशंस को नहीं देख पाते। सो वक्त लीजिए और धीरे धीरे चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए अपने पेस पर। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस, सेवन ऑफ नाइव्स, टू ऑफ सेप्टर्स, टेन ऑफ नाइव्स, क्वीन ऑफ सेप्टर्स एंड सेवन ऑफ स्कल्स। ओके, सो टू ऑफ सेप्टर्स का कार्ड यहाँ पे डेफिनेटली एक ऐसे फेज को दर्शाता है जो मेंटली काफी चैलेंजिंग है। पॉसिबली इस वक्त आप एक ऐसी सैडनेस में हैं, एक अकेलेपन में हैं जो आप किसी से कह नहीं पा रहे। टेन ऑफ नाइव्स पेन को दर्शाता है, ऐसा पेन जो आपकी मजबूरी बन गया है, लाइक आप वहां से कहीं दूर नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को चाहे कितनी भी कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो वुमेन है वो हर्ट है, ये नाइफ उसे चुभ रहा है और यहाँ पे वो धीरे धीरे अपनी लाइफ को लूज कर रही है, ड्रेन हो रही है, ये ब्लड उसके लाइफ को सिम्बलाइज करता है। तो शायद टॉरस आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ बहुत हर्ट है और आपको लग रहा है कि धीरे धीरे आप बदल रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप वो पर्सन नहीं रहे जो आप थे। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही हैं, बट टैरो आपसे कह रहा है कि ये सिर्फ मेंटल लेवल पे है, जो भी सिचुएशन अभी आपके सामने है वो टेम्प्रोरी है, ऑल्सो आप उसे हैंडल कर सकते हैं। आपको याद करना होगा कि आप कौन हैं। आप है ये क्वीन ऑफ सेप्टर्स, कॉन्फिडेंस से भरे हुए और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा सेडक्टिव, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक। सो आपकी पर्सनालिटी आपको यूनिक बनाती है और इस पर्सन को ये काफ़ी क्लियरली पता है। ये पर्सन आपको देख रहा है और सोच रहा है कि उन्होंने आपको लूज क्यों किया, मतलब ये पर्सन शायद चीज़ों को टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहा था और अब आपको लूज करने के बाद उन्हें और भी ज़्यादा आपके अंदर की क्वीन ऑफ सेप्टर्स नज़र आ रही है क्लियरली। तो सेवन ऑफ स्कल्स के साथ थैरो आपसे कह रहा है कि मे बी आप एक जगह पे फिक्सेटेड हो गए हैं, बिकॉज आपको लगता है कि यहाँ से आप निकलना नहीं चाहते और यहाँ से आप निकलेंगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। आपने शायद खुद को गार्ड करना शुरू कर दिया है कि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऑल्सो सेवन ऑफ नाइव्स के साथ ये दर्शाता है उस सिचुएशन को जहाँ आप हर्ट हैं, पर आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड आप इसके लिए प्रिपेयर्ड है। टॉरस इतने स्ट्रांग है आपकी आप हर सिचुएशन से डील कर सकें। तो चलिए देखते हैं आपके लिए और एक मैसेज क्या है। मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फॉर द हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम।
जो भी आपने सीखा है अब तक उस पे ध्यान दीजिए, बिकॉज आप ये नहीं हैं जो आप फिलहाल हैं। हो सकता है आप बहुत सारी नेगेटिविटी और जजमेंट से भर गए हों। आपको फोकस करने की ज़रूरत है खुद पे। दूसरों के बारे में इस वक्त ज़्यादा मत सोचिए, बिकॉज ये आपको बिटर बना सकता है, और इस वक्त वैसे भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।